हेलो, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। सभी प्यारे साथियों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं विवेक कुमार यूवी कंपटीशंस चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूँ। मेरे प्यारे साथियों, रोजाना की तरह मैं लेकर हाजिर हूँ डेली करंट अफेयर्स जी के, जो कि आपका इंग्लिश और हिंदी लैंग्वेज में अपडेट है। आज 7 मार्च 2019 गुरुवार के करंट अफेयर्स की हम बात करते हैं। साथियों, डेली करंट अफेयर्स के लिए यदि आपने हमारा चैनल यूवी कंपटीशंस सब्सक्राइब नहीं किया है तो यूवी कंपटीशन चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे आपको हमारे द्वारा दिए गए अपडेट्स का नोटिफिकेशन मिलते रहे। इसके साथ ही यदि आप राजस्थान जीके और मैकेनिकल इंजीनियरिंग पढ़ने की इच्छा रखते हैं तो उसके लिए अनअकैडमी ऐप पर मुझे फॉलो करें। अनअकैडमी ऐप पर फॉलो करने का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आइए शुरू करते हैं आज के मुख्य समाचार। सबसे पहले बात करते हैं नेशनल न्यूज राष्ट्रीय समाचारों की। द गवर्नमेंट हैज इंट्रोड्यूस्ड ए स्कीम फॉर प्रोवाइडिंग फाइनेंशियल असिस्टेंस फॉर ट्रांसपोर्ट एंड मार्केटिंग ऑफ एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स विद ए व्यू टू बूस्टिंग एक्सपोर्ट ऑफ फार्म कमोडिटीज टू सर्टेन कंट्रीज इन यूरोप एंड नॉर्थ अमेरिका। अंडर द ट्रांसपोर्ट एंड मार्केटिंग असिस्टेंट स्कीम द गवर्नमेंट वुड रिम्बर्स ए सर्टेन पोर्शन ऑफ फ्राइट चार्जेज एंड प्रोवाइड असिस्टेंट फॉर मार्केटिंग ऑफ एग्रीकल्चर प्रोड्यूस। सरकार ने यूरोप और उत्तरी अमेरिका के कुछ देशों में कृषि वस्तुओं के निर्यात को बढ़ावा देने के उद्देश्य से कृषि उत्पादों के परिवहन और विपणन में वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए एक योजना शुरू की है। परिवहन और विपणन सहायता योजना के तहत सरकार माल ढुलाई प्रकार के एक निश्चित हिस्से की प्रतिपूर्ति करेगी और कृषि उपज के विपणन के लिए सहायता प्रदान करेगी। नेक्स्ट, प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद हैज प्रेजेंटेड स्वच्छ सर्वेक्षण 2019 अवार्ड इन न्यू दिल्ली। इंदौर बैग्ड अवार्ड फॉर द क्लीनेस्ट सिटी फॉर द थर्ड स्ट्रेट ईयर इन स्वच्छ सर्वेक्षण न्यू दिल्ली म्यूनिसिपल काउंसिल एरिया गेट्स क्लीनेस्ट स्मॉल सिटी अवार्ड, वाइल उत्तराखंड गोचर वाज एडजज बेस्ट गंगा टाउन इन दिस सर्वे। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने नई दिल्ली में स्वच्छ सर्वेक्षण 2019 पुरस्कार प्रदान किए। स्वच्छ सर्वेक्षण में लगातार तीसरे वर्ष के लिए इंदौर को सबसे स्वच्छ शहर का पुरस्कार प्रदान किया गया। नई दिल्ली नगर पालिका परिषद क्षेत्र को सबसे स्वच्छ शहर का पुरस्कार मिला, जबकि उत्तराखंड के गोचर को सर्वेक्षण में सर्वश्रेष्ठ गंगा टाउन चुना गया है। नेक्स्ट, वुमेन ऑफिसर्स कैन नाउ गेट परमानेंट कमीशंस इन 10 ब्रांचेज ऑफ द इंडियन आर्मी द गवर्नमेंट अनाउंस्ड। द डिफेंस मिनिस्ट्री स्टेट दैट इट हैज टेकन नेसेसरी स्टेप्स टू एंश्योर दैट वुमेन हु वर अर्लियर इंडक्टेड फॉर शॉर्ट सर्विस कमीशंस गेट द परमानेंट कमीशन इन द आर्म्ड फोर्सेस। सरकार ने घोषणा की है कि महिला अधिकारियों को अब भारतीय सेना की 10 शाखाओं में स्थायी कमीशन मिल सकता है। रक्षा मंत्रालय ने कहा कि यह सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक कदम उठाए गए हैं कि जिन महिलाओं को पहले शॉर्ट सर्विस कमीशन में शामिल किया गया था उन्हें सशस्त्र बलों में स्थायी कमीशन मिले। नेक्स्ट, यूनियन मिनिस्टर महेश शर्मा हैज इनॉग्रेटेड आजादी के दीवाने म्यूजियम डेडिकेटेड टू द अनसंग हीरोज ऑफ द कंट्रीज फ्रीडम स्ट्रगल ऑन द रेड फोर्ट प्रीमिसेस इन न्यू दिल्ली। बिल्ट बाय द आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया द म्यूजियम इज द 5th इन ए सीरीज ऑफ रिसेंटली इनोग्रेटेड वंस, द अदर्स बीइंग द सुभाष चंद्र बोस एंड INA म्यूजियम, द याद ए जैलियन म्यूजियम, द म्यूजियम ऑन 1857 ऑन द कंट्रीज फर्स्ट वार ऑफ इंडिपेंडेंस, द दृश्यकला ए म्यूजियम ऑन इंडियन आर्ट ऑन द सेक्रीफाइस ऑफ इंडियाज फ्रीडम फाइटर्स। केंद्रीय मंत्री महेश शर्मा ने नई दिल्ली में लाल किले के परिसर में देश के स्वतंत्रता संग्राम के एकीकृत नायक को समर्पित आजादी के दीवाने संग्रहालय का उद्घाटन किया। भारतीय पुरातत्व संरक्षण द्वारा निर्मित संग्रहालय हाल ही में उद्घाटन किए गए संग्रहालयों की श्रृंखला में 5वां है। अन्य संग्रहालय सुभाष चंद्र बोस और INA संग्रहालय, याद ए जलिया संग्रहालय, 1857 में संग्रहालय देश की आजादी का पहला युद्ध, भारत के स्वतंत्रता सेनानियों के बलिदान पर दृश्य कला, भारतीय कला पर एक संग्रहालय है।
नेक्स्ट आइए बात करते हैं इंटरनेशनल न्यूज अंतर्राष्ट्रीय समाचारों की। चाइनीज प्रीमियर ली क्विक हैज एक्सप्रेस्ड कंसर्न दैट द कंट्री विल फेस ए ग्रेवर एंड मोर कॉम्प्लिकेटेड एनवायरमेंट टू डेवलपमेंट एमिड ऑनगोइंग ट्रेड वार विद द यूएस एंड कंटिन्यूड इकोनॉमिक स्लोडाउन। द वर्ल्ड सेकेंड लार्जेस्ट इकोनॉमी हैज स्लैप्ड इट्स जीडीपी टारगेट ऑफ 6.00 to 6.50% दिस ईयर। चीनी प्रधानमंत्री ली केकियांग ने चिंता व्यक्त की है कि देश अमेरिका के साथ चल रहे व्यापार युद्ध और आर्थिक मंदी के बीच विकास के लिए गंभीर और अधिक जटिल वातावरण का सामना करेगा। दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था ने इस वर्ष अपने जीडीपी लक्ष्य को 6 से 6.50% तक घटा दिया है। नेक्स्ट, द थर्ड एडिशन ऑफ द बायलेटरल जॉइंट एक्सरसाइज बिटवीन इंडिया एंड ओमान अल नागा 2019 विल बिगेन फ्रॉम 12th ऑफ दिस मंथ एट जेबेल एल अखदार माउंटेन्स इन ओमान। इट विल कंटिन्यू टिल 25th मार्च। इन द एक्सरसाइज बोथ द आर्मीज विल एक्सचेंज एक्सपर्टीज एंड एक्सपीरियंस इन टैक्टिक्स वेपन्स हैंडलिंग एंड फायरिंग। भारत और ओमान के बीच संयुक्त अभ्यास अल नगा 2019 का तीसरा संस्करण इसी महीने की 12 तारीख जबल अल अख्तर पर्वत पर शुरू होगा। यह 25 मार्च तक जारी रहेगा। अभ्यास में दोनों सेनाएं रणनीति और अनुभव हथियार संचालन और गोलीबारी का आदान प्रदान करेंगे। नेक्स्ट, काइली जेनर वाज नेम्ड द यंगेस्ट सेल्फ मेड बिलियनियर ऑफ ऑल टाइम बाय फोर्ब्स मैगजीन थैंक्स टू द बूमिंग कमेटी कॉस्मेटिक्स कंपनी सी फाउंडेड 3 years अगो। जेनर 21 years old, द हाफ सिस्टर ऑफ रियलिटी टेलीविजन स्टार किम कोले एंड कोर्टनी करदर्सिम मेड इट ऑन टू द एनुअल फोर्ब्स लिस्ट ऑफ बिलियनियर्स आफ्टर डिवोटिंग हर कैली कॉस्मेटिक्स ऑनलाइन इन 2050 विद $29 लिप किट्स कंटेनिंग मैचिंग लिपस्टिक एंड लिप इनर। फोर्ब्स पत्रिका द्वारा काइली जेनर को अब तक की सबसे कम आयु की स्वनिर्मित अरबपति के रूप में नामित किया गया है, जिसके लिए उन्होंने 3 वर्ष पहले स्थापित की गई सौंदर्य प्रसाधन कंपनी को धन्यवाद दिया। रियलिटी टीवी स्टार्स किम क्लोए और कार्टनी कार्देशियन की सौतेली बहन जेनर को 21 वर्ष की आयु में 2015 में अपने लिपस्टिक और लिप लाइनर के साथ $29 की लिप किट के साथ काइली कॉस्मेटिक को लॉन्च करने के बाद अरबपतियों की वार्षिक फॉर्ब्स की लिस्ट में शामिल किया है। नेक्स्ट आइए बात करते हैं इकोनॉमिक बिजनेस बैंकिंग न्यूज अर्थव्यवस्था व्यापार और बैंकिंग समाचारों की। द वर्ल्ड बैंक विल प्रोवाइड ए $250 million लोन फॉर द नेशनल रूरल इकोनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन प्रोजेक्ट टू हेल्प वुमेन इन रूरल हाउसहोल्ड डेवलप वायबल एंटरप्राइजेज फॉर फार्म एंड नॉन फार्म प्रोडक्ट्स। एन एग्रीमेंट इन दिस रिगार्ड वाज साइंड बिटवीन द वर्ल्ड बैंक एंड द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। विश्व बैंक राष्ट्रीय ग्रामीण आर्थिक परिवर्तन परियोजना के लिए $250 million का ऋण प्रदान करेगा, जिससे ग्रामीण परिवारों में महिलाओं को कृषि और गैर कृषि उत्पादों के लिए व्यवहार्य उद्यम विकसित करने में मदद मिलेगी। विश्व बैंक और भारत सरकार के बीच इस संबंध में एक समझौते पर हस्ताक्षर किए गए हैं। नेक्स्ट, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया एंड हिटाची पेमेंट सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड ए होली ओवन सब्सिडायरी ऑफ हिताची लिमिटेड हैज लॉन्च्ड दियर मर्चेंट एक्वायरिंग जॉइंट वेंचर SBI पेमेंट सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड इन मुंबई फॉर एस्टेब्लिशिंग ए डिजिटल पेमेंट प्लेटफॉर्म फॉर इंडिया एंड अदर कंट्रीज इन द रीजन। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया और हिताची लिमिटेड की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी हिताची पेमेंट सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड ने भारत और क्षेत्र के अन्य देशों के लिए एक डिजिटल भुगतान प्लेटफॉर्म की स्थापना के लिए मुंबई में अपना मर्चेंट अधिग्रहण वाला संयुक्त उद्यम SBI पेमेंट सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड लॉन्च किया है। नेक्स्ट, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड BEL डिफेंस पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग प्रेजेंटेड स्वागत द ऑटोमेटिक फेयर कलेक्शन गेटिंग सिस्टम। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी लॉन्चेज द सिस्टम एज पार्ट ऑफ द इनॉग्रल ऑफ फेज फर्स्ट ऑफ द अहमदाबाद मेट्रो। सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड ने स्वागत ऑटोमेटिक फेयर कलेक्शन गेटिंग सिस्टम प्रस्तुत किया है।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अहमदाबाद मेट्रो के फेज प्रथम के उद्घाटन के भाग के रूप में इस प्रणाली का शुभारंभ किया है। नेक्स्ट, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, द स्टेट गवर्नमेंट ऑफ छत्तीसगढ़ एंड द वर्ल्ड बैंक साइंड ए $25.2 million लोन एग्रीमेंट टू सपोर्ट द स्टेट्स रिफॉर्म इन एक्सपेंडिचर मैनेजमेंट। दिस सपोर्ट विल कवर एक्सपेंडिचर प्लानिंग, इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट, बजट एग्जीक्यूशन, पब्लिक प्रोक्योरमेंट एंड अकाउंटेबिलिटी। भारत सरकार, छत्तीसगढ़ राज्य सरकार और विश्व बैंक ने व्यय प्रबंधन में राज्य के सुधारों का समर्थन करने के लिए $25.2 million के ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। यह समर्थन व्यय योजना निवेश प्रबंधन, बजट निष्पादन, सार्वजनिक खरीद और जवाबदेही को कवर करेगा। नेक्स्ट आइए बात करते हैं अवार्ड्स पुरस्कारों की। टू नोबेल प्राइजेज इन लिटरेचर विल बी अवार्डेड दिस ईयर टू मेक अप फॉर द लेक ऑफ वन इन 2080 व्हाइल द स्कैंडल प्लेग्ड स्वीडिश अकेडमी अटेम्प्टेड टू गेट इट्स हाउस इन ऑर्डर। लास्ट ईयर्स नोबल वाज विदहेल्ड फॉर द फर्स्ट टाइम सिंस 1949 आफ्टर द स्वीडिश अकेडमी द अगस्त इंस्टीट्यूशन दैट सेलेक्ट्स द विनर्स वाज हिट विद ए सेक्सुअल मिसकंडक्ट स्कैंडल दैट सा द हस्बैंड ऑफ वन मेंबर इम्प्रिजनड फॉर रेप। इस वर्ष से साहित्य में दो नोबेल पुरस्कार सम्मानित किए जाएंगे। यह स्कैंडल के कारण स्वीडिश अकादमी के 2018 में पुरस्कार नहीं प्राप्त करने के प्रयास के रूप में किया गया है। 1949 के बाद पहली बार पिछले वर्ष के नोबेल को स्वीडिश अकादमी से वापस ले लिया गया था। विजेताओं का चयन करने वाली संवर्धित संस्था पर एक यौन दुराचार कांड का आरोप था जिसमें एक सदस्य के पति को बलात्कार के लिए कैद देखा गया था। नेक्स्ट और लास्ट न्यूज है, टीवीएस मोटर कंपनी हैज रिसेंटली बैग्ड द इंटरनेशनल सस्टेनेबिलिटी अवार्ड ग्रीन एरा अवार्ड फॉर सस्टेनेबिलिटी इन लिस्बन पुर्तगाल। द कंपनी आल्सो वॉन द क्वालिटी एंड बिजनेस एक्सीलेंस अवार्ड इन एक्नोलेजमेंट ऑफ इट्स एंडीवर टू क्रिएट न्यू बेंचमार्क इन प्रोडक्ट क्वालिटी। टीवीएस मोटर कंपनी ने हाल ही में लिस्बन पुर्तगाल में इंटरनेशनल सस्टेनेबिलिटी अवार्ड ग्रीन एरा फॉर सस्टेनेबिलिटी अवार्ड जीता है। कंपनी ने उत्पाद की गुणवत्ता में नए मानक बनाने के लिए के अपने प्रयास की स्वीकार्यता में गुणवत्ता और व्यवसाय उत्कृष्टता पुरस्कार भी जीता है। तो मेरे प्यारे साथियों, ये था आज के करंट अफेयर्स, जो कि आपका करंट अफेयर्स है, सभी एग्जाम्स के लिए इम्पोर्टेंट है। तो प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब यूवी कंपटीशन चैनल और आल्सो फॉलो मी ऑन अकेडमी इंस्टाग्राम एंड फेसबुक। थैंक यू सो मच, धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।